अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ लेमन रूह अफ़ज़ा। लेमन रूह अफ़ज़ा क्योंकि अब गर्मा है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसके लिए मैं ली हूँ 2 टीस्पून भर के ये सब्जी के बीज है, या चिया सीड्स भी बोल सकते हैं आप इसको। 2 टीस्पून भर के इसको आप पानी में भीगने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिए। और ये रूह अफ़ज़ा है, ये पुदीना है फ्रेश लीव्स, पुदीने के ताज़े पत्ते ले लेना। और 2 लेमन को बारीक स्लाइसेस कर लें। थोड़ा सा काला नमक है, थोड़ी सी काली मिर्ची है, थोड़ा सा वाइट नमक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस गिलास में बनाना है वो गिलास ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, आधा लेमन, ये लेमन छोटा है इसलिए मैं आधा लेमन का जूस, अगर लेमन ज़्यादा बड़ा रहे तो पाव भी बच जाता, 1/4 इसका रस निकाल लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, सफ़ेद नमक डालेंगे बिल्कुल 1 से 2 चुटकी, काला नमक डालेंगे 2 से 3 चुटकी, और काली मिर्ची डालेंगे 1 चुटकी छोटी सी। अब इसमें डालेंगे लेमन के स्लाइसेस। अब इसमें डालेंगे थोड़े से फ्रेश पुदीना के पत्ते। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून से बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, गिलासेस सबके अलग रहते, थोड़ा बहुत फर्क रहता, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सब्जी के बीज डालेंगे, अब इसमें मैं सोडा डाल रही हूँ, चाहे तो आप सादा पानी डाल सकते हैं। चलिए, गर्मा के मौसम में आप ये बना के एंजॉय करिए, और ये खाली पेट, ये जो मुजीटो है सोडा डाली में, ये खाली पेट नहीं पीना। जब कुछ भी अच्छा खा लेते हम तो जब ऐसी चीज़ों की ख्वाहिश होती और अच्छे भी दिखते। अगर चाहे तो आप सोडे की जगह पानी का इस्तेमाल कर सकते या स्प्राइट का इस्तेमाल कर सकते। चलिए, मेरी लेमन रूह अफ़ज़ा की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो देखिए एंड तक और बनाइए, सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनने वाला और माशाल्लाह बहुत अच्छा, गर्मा के मौसम में बहुत टेस्टी दिखने वाला रूह अफ़ज़ा मुजीटो, या लेमन रूह अफ़ज़ा भी बोल सकते हैं आप।